क्या कौन सी? कि इंडिया को 25 साल अभी लगेंगे डी डॉलराइज करने में, करेक्ट। बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड को कुछ बेचना पड़ेगा। जरा कोई इन इन लोगों से जरा जाके पूछो कि अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को क्या बेचा है कि उसके पास रिजर्व करेंसी का स्टेटस है, जरा पूछो इनको जाके। तो ये स्पेशल रिक्वायरमेंट भारत के लिए इनके दिमाग में कहां से आई? अच्छा, चाइना जो है पूरे वर्ल्ड को बेचता है, फिर भी उसके पास रिजर्व करेंसी स्टेटस नहीं है, 6% से ज्यादा युआन का रिजर्व का नहीं है। ये कहां से ये थियोरी लेके आते हैं कि पूरे वर्ल्ड को आपको सेल करना पड़ेगा तो आपका रिजर्व, तो आपको कुछ करेंसी के अंदर कुछ शेयर मिलेगा? मुझे बताओ, यूरोप ने सबको क्या बेच दिया जो वो 20% रिजर्व करेंसी स्टेटस एंजॉय कर रहा था अभी तक? मुझे तो कुछ दिखा नहीं। इनफैक्ट अमेरिका का अगर आप लास्ट 50 ईयर्स का डेटा निकालोगे तो खाली 4 ही साल अकाउंट सरप्लस रहा है, ओनली मैं फोर इयर्स प्रोफेसर कुसुमदा के लिए देखो प्रणाम करूंगा, हमको सुन रही है लाइव ट्रेन में बैठ के। तो अरे वाह कुसुम जी नमस्ते। अरे भाई साहब, ये क्या क्या आर्गुमेंट लेके आते हैं, मतलब इनको तो भाई भाई साहब आप, मतलब ना इकोनॉमिक्स का पता, इनको कुछ भी नहीं पता। बोल रहे पूरे वर्ल्ड को आपको कुछ बेचना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा तो आपको करेंसी में कुछ शेयर मिलेगा। बताओ, इनको ये भी नहीं पता कि पाउंड से डॉलर में कैसे शिफ्ट हुआ गोल्ड के एक्यूमुलेशन के साथ, वो एक्सपोर्ट्स के साथ कुछ जब लेना देना ही नहीं था। अच्छा, यूरोप को कैसे 20% रिजर्व करेंसी मिल गया? ऐसा कौन सा क्या सेल कर दिया उन्होंने पूरे वर्ल्ड को? चाइना बन के बैठा है सबकी वर्ल्ड की फैक्ट्री 30 साल से, मैन्युफैक्चरिंग जायंट, उनको कुछ शेयर नहीं मिला रिजर्व करेंसी में, 6% पे अटके, 5-6% पे। तो ये पता नहीं भारत के लिए क्यों ऐसी स्पेशल फैसिलिटी लेके आते हैं कि आपको 25 साल और इंतजार कर। नहीं, एक्चुअली अभी डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी मैं सुन रहा था, बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स। अरे भारत किसी युद्ध करने वाला नहीं है भाई, अब 10 बार हम लोग बोल चुके हैं युद्ध करने वाला नहीं है, समय है अभी। इसे भारत का युद्ध को अलग टाइप का चल रहा है। और बट वन थिंग इज ऑल्सो गुड कि इंडिया ने सेल्फ रिलायंस में बहुत आगे आ गया है डिफेंस में, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग। और डिफेंस इंडस्ट्रीज में मैं कल सुन रहा था डेटा, 10,000 न्यू कंपनीज हैव कम अप इन द इकोसिस्टम। तो भारत इज गोइंग टू बिकम द न्यू जनरल डायनेमिक्स टाइप ऑफ वो ऑर्गेनाइजेशन, तो जहां टू पे प्लस टू स्टेटमेंट में लिखा हुआ आ गया, जॉइंट स्टेटमेंट था इंडिया यूएस का, दैट भारत विल बी द नेक्स्ट ग्लोबल डिफेंस हब, लिखा हुआ आ चुका है, क्योंकि वो कंपनीज यहाँ पे शिफ्ट कर रही है। देखो, समझ लो कि पूरा वेस्ट में वेल्थ वाइप आउट होने वाला है, उनके बचने का एक ही तरीका है, जितना जल्दी ये कंपनीज भारत की इकोनॉमी में अपने आप को अकोमोडेट करवा ले उतना ज्यादा चांसेस है सर्वाइवल का। तो वो चाहे या ना चाहे यही होने वाला है, भारत इज गोइंग टू बी द ग्लोबल डिफेंस हब। यहीं पे जॉइंट प्रोडक्शन होगा, यहीं पे टेक्नोलॉजी शेयरिंग ट्रांसफर होगा, और यहीं से सारे आर्म्स एक्सपोर्ट होंगे वर्ल्ड वाइड। वो तो स्ट्राइकर जो व्हीकल है, स्ट्राइकर भारत यही होना है। और जो स्ट्राइकर व्हीकल पे जो एग्रीमेंट हो रहा है वो दैट इज टू सप्लाई फॉर अदर कंट्रीज, उसको जी मेंटेनेंस के लिए बात बिल्कुल, हो रही है। और मेंटेनेंस और रिपेयर की भी यहाँ पे सबसे बड़ी साइट्स ओपन होगी। और जिनको नहीं समझ में आ रहा कि कितना स्ट्रेटेजिक होता है मेंटेनेंस और रिपेयर्स, क्योंकि जिन जिन कंट्रीज को वो प्रोडक्ट्स जाते हैं वो सारे स्ट्रेटेजिकली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे फॉर क्रिटिकल सप्लाईज एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिफेंस का। अच्छा, एक म्यांमार के ऊपर बहुत लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि म्यांमार का ब्रेकअप होने वाला है एंड म्यांमार विल, ये भी बहुत डिस्कशन चल रहा है, विच आई फील कि वो मतलब वो तो नेचुरली जो नॉर्थ म्यांमार तो इंडिया के साथ ही है हमेशा, अगर ब्रेकअप होगा तो उस इंडिया के साथ ही रहेगा। एंड बट ये न्यूज, ये जो एनालिसिस जो चल रहा है कि यूएस डीप स्टेट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ डिविजन ऑफ म्यांमार, ये व्हाट इज दिस? डीप स्टेट के बारे में ऑलरेडी आप बता चुके डिटेल में अभी। देखो आदित्य जी, म्यांमार के अंदर जैसे मिलिट्री जनता ने टेक ओवर किया है, और आंग सांग सू की जो आप जानते हैं कि जेल में है और ये अरेस्ट में है, तो एक बात क्लियर है वहां पे कि एक टसल चल रहा है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस कितना होगा, अमेरिकन इन्फ्लुएंस कितना होगा, और एक भारत का भी एक इनडायरेक्ट रोल है वहां पे। तो आप जानते हैं
म्यांमार के कुछ पोर्ट्स हैं सितवे से लेके सारे, जो एक तो भारत की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के साथ हम देख रहे हैं एक सीमलेस इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ पीपल, जहाँ पे ट्रेड हो पाएगा इजीली, चाहे वो इनलैंड वाटरवेज की बात हो, रोडवेज की बात हो या एयरवेज की बात हो। तो वहां पे एक टसल चल रहा है, और क्योंकि चाइनीज जो है उनके साथ लोकल इंसर्जेंसी का भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पे, तो मल्टीपल पावर्स हैं और सब अपनी गेम वहां पे खेल रहे हैं। पर जहां तक मुझे समझ में आता है कि जो लोकल इंसर्जेंसी है वो चाइनीज के बिल्कुल खिलाफ है, और मिलिट्री जनता जो है अभी टेम्पररी दिख ये रहा है कि मिलिट्री जनता उनको यूज कर रही है टू कंट्रोल द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द कंट्री। अदरवाइज वो मिलिट्री जनता उन इंसर्जेंट्स के साथ विरुद्ध होती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ एलिमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है टू स्टॉप द चाइनीज इन्फ्लुएंस। तो हो सकता है कि इसमें यूएस डीप स्टेट का एक पोर्शन जो है वहां पे हेल्प आउट कर रहा हो, अदरवाइज वो इसके अगेंस्ट थे जब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गई थी तब। एंड दोस्तों ये भी बता दूं कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में साउथ एशियन ब्लॉक जो है, साउथ एशियन जो डिपार्टमेंट है दैट इज आल्सो बीइंग क्लोज डाउन, उसको मर्ज किया जा रहा है मेन स्टेट डिपार्टमेंट से। वो भी चल रहा है, अभी बातचीत से उसमें चल रही है लोगों की। सो दैट इज दैट मीन्स दैट कि इंडिया का पोजिशन प्राइम होने वाला है वहां पे, क्योंकि जो साउथ एशिया का जो नैरेटिव था एंटी हिंदू जो था दैट इज गेटिंग क्लोज नाउ। सो इंडिया विल बी इंडिया, भारत। एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ माइंडसेट इज ऑल्सो कमिंग इन द स्टेट डिपार्टमेंट। तो ये सारे जो यूएस सीआरएफ के जो गेम्स हैं वो सारे खत्म होने वाले हैं। यूएस सीआरएफ जो एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा में लगा रहता था, बिकॉज अमेरिका इटसेल्फ फील्स थ्रेटन्ड बाय द स्नेक्स इन द गंगा, बिकॉज वो उनको भी थ्रेट हो रहा है। बिकॉज इफ यू वो कर्म का ही सिद्धांत है कि कर्म अगर करेंगे तो विल हिट बैक। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन मैं ऑडियंस में आपके सभी क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, आई इंक्लूड दैम एंड इन द एंड आई आस्क वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो ही मैं आई आस्क एक्चुअली। तो उसमें एक लोग पूछ रहे हैं नेपाल के बारे में, नेपाल भूटान ये छोटे देश जो हमेशा प्रो इंडिया रहे हैं, वॉट इज देयर फ्यूचर, उनके लोगों के साथ क्या हो सकता है, क्योंकि बिकॉज देयर इकोनॉमीज आर ऑल्सो वर्किंग ऑन एड बाय द यूएस एड मेनी ऑफ देम। देखिए, नेपाल का बहुत बहुत क्लियर है कि नेपाल ने लास्ट 30 इयर्स में 29-30 प्राइम मिनिस्टर्स देख लिए, क्योंकि वो ये टसल में जो चाइना और भारत के बीच जो टसल है डिप्लोमेसी का, उस टसल में नेपाल ने दोनों पोजीशंस को एक्सप्लॉइट करने की या बैलेंस करने की कोशिश की। ना उन्होंने कभी पूरा भूटान वाला रुख अपनाया, ना कभी उन्होंने पूरा टिबेट वाला रोल अपनाया, ठीक है। तो और फिर आपको ये तो समझना है कि लैंडलॉक कंट्री है नेपाल, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि भारतीय पोर्ट्स के हिसाब से एक्सेस से ही उनको सब रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स या गुड्स मिल पाएंगे, या किसी कंट्रीज को आदान प्रदान कर पाएंगे। तो भारत तो उनके लिए ऑप्शन है ही नहीं। तो मेरी ये समझ है कि नेपाली गवर्नमेंट में जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आ जाती कि वो दोनों तरफ खेल नहीं खेल सकते, तब तक वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो दे विल हैव टू डिसाइड इफ दे वांट टू बिकम भूटान और इफ दे वांट टू बिकम टिबेट। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में इनके प्राइम मिनिस्टर हर 1.5 साल में चेंज होते रहेंगे, जो चल ही रहा है, ठीक है। 30 साल में उनको 30 प्राइम मिनिस्टर मिल चुके हैं, ठीक है। तो बहुत क्लियर है, उनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आदर दे वांट टू बी भूटान और दे वांट टू बी टिबेट, ठीक है। तो बीच का रास्ता कोई नहीं है इसके अंदर। तो जब तक वहां की पॉलिटिकल पार्टीज में ये यूनानिमस स्टैंड पॉलिसी का नहीं आ जाता, तब तक उनका फ्यूचर इकोनॉमिक प्लानिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उनको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, कभी किसी स्टेज पे तो लेना पड़ेगा। और जहां तक सवाल ये है कि भारत से कितना डेवलपमेंट, देखिए भारत के साथ तो उनका रोटी बेटी का रिश्ता है,
और वो रिश्ता कोई नहीं नकार सकता। इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम तक नेपाल रहा है हिंदू नेशन वाले स्टेटस में, और जो कम्युनिस्ट का एंट्री हुआ है वो बहुत अभी रिसेंट है, वो मोनार्की जब से डाइल्यूट हुई ड्यूरिंग यूपीए गवर्नमेंट, उसके बाद ही से ये सब इंटरनल केओस वाली हरकतें, कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस वाली शुरू हुई है। तो आई थिंक द नेपाली नेपाली पीपल विल हैव टू टेक अ स्टैंड दैट वी बिलोंग टू द भारतीय सिविलाइजेशन। हम भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है, हम कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं, और अल्टीमेटली जब ये हो जाएगा तो उनका इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक गोल्स एम हो जाएंगे दिल्ली की डायरेक्शन में, तो उसमें बहुत अच्छा खासा उनका ग्रोथ हो सकता है उस तरीके से। बट ये है कि उनको दे विल हैव